नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री विद्या चैनल और NCERT ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र सिंह। ये जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। मैथमेटिक्स ऑफकोर्स एक बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है और आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं इससे संबंधित आपकी जो भी दुविधाएँ होंगी, डायलेमास होंगी, समस्याएँ होंगी, उन सब का निराकरण एक ही बार में होने जा रहा है। टॉपिक देख लेते हैं क्या हम खास आपके लिए लेकर आए हैं। लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, परिवर्तनीयता की बात हो रही है, इक्वेशंस की बात हो रही है, समीकरण। आई थिंक मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कक्षा 10 के छात्र हों, 12th के हों, ये ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो आज हम इसको तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। समय की कोई कमी नहीं है, पूरा प्रॉपर एक घंटा हमारे पास है। आपके इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर हैं तो आप ज़रूर साझा करें। कहाँ करेंगे उसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। आप कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर 8800440559। यहाँ आप प्रश्न पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी आप मेल कर सकते हैं, ऑफिशियल मेल आईडी कक्षा 10 के लिए बतौर खास dts.class10@cie.nic.in पर, और चैट बॉक्स में यानी कि आप NCERT ऑफिशियल यहां पर इस प्रोग्राम को लाइव देख सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ई विद्या चैनल का जो चैनल नंबर 10 है उस चैनल पर भी टेलीविज़न पे आप इस प्रोग्राम को लाइव देख सकते हैं। और NCERT ऑफिशियल के में जो कमेंट बॉक्स है, जो आप अगर यूट्यूब पर जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो वहाँ पर भी अपने प्रश्न साझा कर सकते हैं चैट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए, समय हो गया है आप अपने एक्सपर्ट को इन्वाइट करने का जिनसे हम सीखेंगे बहुत सारी चीज़ें। बहुत बहुत स्वागत है मिस सविता ग्रैक जी, जो कि टीचर हैं गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्रा से हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम जी। नमस्कार धर्मेंद्र जी, एंड नमस्कार टू ऑल आवर व्यूअर्स। तो फिर कक्षा 10 की हम बात कर रहे हैं। आई थिंक क्लास 8 और 9 में भी समीकरण की एक परिभाषा जो हमने देखी है उसको भी हम करते हुए चले आए हैं। हाई स्कूल तक पहुंचते-पहुंचते 10 तक पहुंचते उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा मैं समझता हूं कि हाई हो जाता है। चूंकि आप एक टीचर हैं, आप ऐसे काफ़ी सारी चीज़ों को डील करती हैं एवरीडे, तो पूरा समय आपका है, सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कैसे इस समीकरण जैसी विधा को सरल और सहज तरीके से हम सीख सकते हैं। जी धर्मेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही बोला कि हमने लीनियर इक्वेशंस के बारे में क्लास 9th में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। बिफोर दैट क्लास 8th में भी बच्चों ने लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के बारे में पढ़ा। एंड नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक, लेट अस फर्स्ट रिकॉल व्हाट वी हैव डन इन आवर प्रीवियस क्लासेस। In our previous classes, first of all, we have discussed about expressions. What do we mean by expression? If I am writing 2x plus 7 and nothing else, there is no sign of equality, there is nothing, just 2x plus 7, this is an expression. For example, if I am saying that my age is y years and my brother is 3 years younger than me. So what will be the age of my brother? The age of my brother will be y minus 5 years. So this is an expression. The combination of some constants and some variables. The variable, there can be one variable or two variables or more than two variables even. But this type of statement is known as an expression. Now, let us discuss about an equation. Now, from where we will come to know about an equation? अभी हमने जैसे ये relationship की बात की कि my age is y years, my brother is 5 years younger than me, and if I say that the sum of the ages of both of us is 55 years. Okay? Now I have given a condition that the sum of the ages of both of us, that means my age y and my brother's age y minus 5, and the sum of both of these is 55. So this becomes an equation. This is not an expression, this is an equation. Now okay, see, let us play with the spellings of the word equation as well. The word equation, its first four alphabet, let us speak these up. It's E, Q, U, A, and if we put L there after this, then this word becomes equal. So whenever there is a sign of equality in an expression, that becomes an equation. And we can solve the equation
we will also come to know how we can solve various equations. For example, I have written an equation here, y plus y becomes 2y minus 5 equals to 55. From here, we will be able to know that the value of y is 60 upon 2, which is 30. Therefore, my age is 30 years. And of course, my brother's age is 25 years. So this is the way for solving an equation. If I'm writing another statement here, if I'm writing 2y plus 3x minus 2 is equal to 0. 2y minus 3x plus 2 equals to 0. X plus y plus z equals to 2x minus y, then these all are known as equation because there is a sign of equality. Of course, this particular equation is there which has two variables in it. And this equation, we have three variables, x, y, z, all unknown values will be known as variables. And if we discuss about a linear equation, let us again play with the word linear. It's L-I-N-E. We are just talking about the first four alphabets of the word linear. So these first four alphabets making a new word. And what that word is, that is line. So let us think that what is the relation of a linear equation there with a line. If I'm writing any equation having just a single variable, for example, if I'm saying I have some money in my hand, if you take twice of that money, that means twice means you will have to multiply that by 2. And then you are adding 10 to it, you are getting 70. Okay, so what did we do? We consider that I have X rupees in my hand. And then we have to do twice of that. So it is 2x plus 10 is equal to 70. By solving this particular equation, we can tell that what is the exact amount there in my hand. And that is, of course, rupees 30. Okay. So this is one part. First, we are discussing what is a linear equation. A linear equation if I am writing another expression, I must say another equation, x plus y plus z is equal to 30. Since there are three variables, x, y and z, but in each and every case, we can say that the degree is 1. Therefore, this is linear. So every expression whose degree is 1, that is known as a linear equation. Now let us discuss about the linear equation in one variable as well as linear equation in two variables. So first of all, linear equation in one variable (2x plus 7 is equal to 3 into x minus 1). It doesn't matter that variable will be there only on the left hand side, or it can also be there on the right hand side. It can be there on both of the sides. Okay, but the most important thing is that the degree must be 1. Degree of the variable must be 1. So let us discuss the whole topic this again. Linear means if we will present this particular equation graphically, then a line will be formed. There will be no curve. Before this chapter, we have discussed about the topic polynomials. In that, we have discussed about various expressions, the degree of various polynomials, were there 2 or 3 or 4, and we have seen that various types of curves can be formed. But if the equation is linear, in that case, only and only
a straight line can be formed on our graph. Now let us discuss about linear equation in two variables. If this is our equation, then it can be rewritten as minus x is equal to minus 10, thus x is equal to 10. And if we want to present it graphically, then how can it be presented? Yes, it can be presented as this is our x-axis, this is our y-axis, and we have this angle is of course 90 degree. The point where both of the axes meet each other is known as origin. And let us consider this value to be 10. So we have to draw a line for which x is equal to 10. So this will be the graphical representation of this particular linear equation, and it is x is equal to 10. We know that the equation of yx is, it is x equals to 0. Similarly, equation of xx is, it is y is equal to 0. Okay, if the equation is there only in one variable, then its graphical representation will be parallel to the axis, whether it be parallel to x-axis or it can be parallel to the y-axis. If it will be in the form x is equal to some constant, x is equal to a or x is equal to b, in that case it will be parallel to y-axis. And if it will be y is equal to 0 and parallel to this axis, in that case it will be parallel to y-axis. If I am writing y is equal to b, then this particular equation will be parallel to x axis. Okay. Now let us discuss about linear equation in two variables. So in this case, I must write 2x plus 3y plus 7 is equal to 0. 2 is the coefficient of x axis, 3 is the coefficient of y axis, and 7 is of course a constant term. So what we have seen that there are two variables, variable x and variable y. For both of the variables, the degree is 1, therefore it is linear. There is a sign of equality, therefore it is an equation. And there are two variables, therefore it is a linear equation in two variables. In general, how can we write linear equation in two variables? It can be written as ax plus by plus c is equal to 0. So the coefficient of x is known as a, coefficient of y is known as b, and the constant term is c here. So now the topic is pair of linear equations in two variables. So we are discussing about the pair. Pair means simply there will be two equations. In one question, there will be two equations. Here we have mentioned two equations. The first equation is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. And the second equation, it is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So after understanding what do we mean by pair of linear equations in two variables, we will discuss how can we solve given pair. Before that, let us discuss the solution of a linear equation in two variables. If there is a linear equation in two variables, I am giving you 5 seconds only to think upon it, how many solutions will be there. Yes, there will be linear equation in two variables. There will be infinitely many solutions. I hope you all have tried to solve it. Infinitely many solutions. How can we say that there will be infinitely many solutions if there is x-axis and there is y-axis? We know that out of these two variables, let us write a simple equation here. If I am writing y is equal to x plus 3, this is again a linear equation in two variables. And if we are putting the value of x to be 0, then the value of y is 3. If we are putting x is equal to 1,
then value of y is 1 plus 3, which is 4. If x is 2, then y is, of course, 5. So there are three solutions we have written, 0, 3, 1, 4, and the next solution is 2, 5. Similarly, if we put various values of x, y, and z, x here, so we will be able to get many, many values of y. So x will be known as an independent variable here, and y is a dependent variable. And there are infinitely many solutions. Now let us discuss about a pair. देखिए, जैसा हम real life में भी बात करते हैं, जब तक आप अकेले होते हैं, you are alone at home, mummy and papa are not there, so it is all upon you. You can find the solutions as many as you wish. You can go to the kitchen, you can cook Maggie. मैगी बनाकर आप खा सकते हैं, आपका मन करे आप कार्टून चैनल पर कुछ भी देख सकते हैं, आपका मन करे आप खेल सकते हैं, यू कैन प्ले इंडोर गेम, यू कैन प्ले आउटडोर गेम. यानी जब तक हम अकेले हैं, देयर कैन बी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वेशंस, वहां पर ये बात और भी ज्यादा रिलेवेंट जाती है. हाँ, खुद अकेले रहने पर थोड़ी देर बाद हमें बोर भी लगने लगता है. सो जब पेयर ऑफ इक्वेशंस आ जाएगा, जब आप दो persons hain in your home, you and your friends are there, so you two people are there, in that case sometimes you can feel that you are agreeing at some statement, and it is also possible that you both are not agreeing for a particular statement. So for particular statement there can be one solution, aap dono ek hi baat kare. Okay, ऐसा हो सकता है कि आप दोनों बिल्कुल एक भी बात को लेकर एक दूसरे के साथ सेटिस्फाई नहीं होते. इन दैट केस वी विल से नो सॉल्यूशन इज देयर. एंड अगर आप दोनों सारी की सारी बातें, हाँ जी इंडोर गेम ही खेलना है आपको भी और आपके फ्रेंड को भी, ये खाने में हमें यही खाना खाना है, दोनों की पसंद एक जैसी है, कुछ और अगर हम बात करें, आप दोनों को फ्रूट सेम लेना है, आप दोनों को सैलेड सेम पसंद है, इन दैट केस देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस फॉर बोथ ऑफ यू. So, ऐसे ही जब इक्वेशंस की हम बात करते हैं, जब दो इक्वेशंस इकट्ठे मिल जाती हैं, सो देयर कैन बी वन सॉल्यूशन, देयर कैन बी नो सॉल्यूशन, और देयर कैन बी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस इन डेप्थ. इफ वी आर राइटिंग टू इक्वेशंस एंड द इक्वेशंस विल बी रिटन नाउ फ्रॉम आवर रियल लाइफ सिचुएशंस, आई एम सेइंग दैट आई हैव बॉट अ पेन, टू पेन्स एंड four pencils from a shop for rupees 60. So if we consider the cost of a pen is rupees x and the cost of a pencil is rupees y, in that case our first equation is 2x plus 4y is equal to 60. And if I'm saying that my friend is there and he is getting three pencils, three pens and six pencils, and he is paying rupees 90 for it. So in that case, how many solutions for both of these equations are there? There are infinitely many solutions. Yeah, infinitely many solutions. So if in general, we want to write the equation in general, as we can see, this is the general equation, the first equation. In this, we have written the constant term also on the left hand side. So these constants can also be shifted to the left hand side, or we can also solve the given equations by taking the constant terms on the right hand side. Just we must remember that if we drag these values 60 or 90 to the left hand side, then it will become negative 60. The sign of the constant term will be changed in that case. Similarly, the given equation can have one solution, or one solution can also be named as unique solution, or there can be, there's a quite possibility that two lines are there, but when we will try to solve those equations, we will not be able to find even a single solution. अब यहाँ पर सॉल्यूशन का मतलब क्या है? अभी इससे जस्ट पहले मैंने आपको बताया, इफ देयर इज अ सिंगल लाइन और देयर इज अ सिंगल लीनियर इक्वेशन,
then infinitely many solutions can be there. Each and every point on this particular line is a solution for this line. And if I am drawing another equation graphically, for example, this is there. So this alone can have many, 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 many solutions. But we are discussing here the solution of the pair. And if the pair is given to us, in that case, we have to think about the common solutions only. So whenever we will discuss about the solutions of a pair of linear equations, it simply meant that we are talking about their common solution. Now, the next thing, there can be infinitely many solutions. We will take some examples and we will try to draw the graphs of these equations, and we'll see how can we say that infinitely many solutions are there or only one solution is there. Here's the first example. We have written a pair of linear equations here. In the first equation, we can see that the coefficient of x is 1, the coefficient of y is 2, and the constant term is minus 4. In the second equation, it is 3, minus 1, and minus 5. Now let us try to solve both of these equations and present them on the graph. Yes, we already have studied it in our previous class, that if we want to present any line graphically, we must have at least two solutions of it. Agar hum kabhi bhi do points ko join karte hain, so minimum two points are required to join that, to make that particular line, jis line se wo particular points pass karte hain. Now we have the first equation. We will try to find at least two solutions must be there with us. Let us put x is equal to 0 in this first equation. And if you put x 0, what we are getting? 2y minus 4 is equal to 0. Thus, y is 2. Therefore, one of its solution is 0, 2. Now, let us put any other value. Let us put x is equal to 2. And if we put x is equal to 2, then what will be the value of y? 2y minus 4 plus 2 equals to 0, and from here we can see that y is equal to 1. So this can be presented here graphically with the help of these two points only. We will take the scale 1 unit length, and if you want to present these points, see this graph carefully, that's why we are drawing it. We are able to understand that 0, 2, this will be a point. So x is 0 and y is 2. Yes, we will highlight the particular point. Then x is 2 and y is 1. Some students commit a mistake here. Unhe lagta hai ki x ko hume 2 lena hai aur y ko hume 1 lena hai, to 2 aur 1 ko join karte. No, this is a single point. 2, 1, this is a single point, where x coordinate is 2 and y coordinate is 1. So this point is x coordinate is 2 and y coordinate is 1. Therefore, this is our point. So with the help of these two points, of course, we can draw a line, but we will calculate the third point also. Why so? Because if we take 3 points, the line will become 2 points, of course, that is okay. But if we 3 points, then that will be a check that there is no mistake. And how will that be a check? Let us put y is equal to 0. If we have put y 0, so we are getting x plus 0 minus 4 is equal to 0. That is why x is equal to 4. And if x is equal to 4, so of course this is the point. Agar humne in tino points ko calculate karne mein koi bhi mistake nahi ki hai, to ye tino points same line par hi exist karenge. Lekin agar koi ek point bhi galat ho gaya, for example, humne ye point by mistake 2, 3 nikal diya hota, to ye point yahan hota. Aur uski wajah se hamari jo line humne draw ki hai, wo completely wrong ho jati.
उसकी डायरेक्शन कम्प्लीटली रोंग हो जाती. तो थर्ड पॉइंट इज हेल्पिंग अस टू वेरीफाई दैट हमने जो अभी तक पॉइंट्स कैलकुलेट किए हैं वो ठीक हैं और वहां पर कोई भी मिस्टेक नहीं. सो दिस इज द इक्वेशन एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो. नाउ लेट अस प्रेजेंट द अदर लाइन ऑन द सेम ग्राफ. एंड व्हाट आर अदर लाइन इज इट इज थ्री एक्स माइनस वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो. अगेन द सेम थिंग, लेट अस पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो. एंड इफ एक्स इज जीरो, यस यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई इन दिस केस? इट इज माइनस फाइव. लेट अस पुट एक्स इज इक्वल टू वन, और यू कैन ऑल्सो पुट वाई इज इक्वल टू जीरो, दैट इज ऑल्सो ओके. इफ आई हैव टेकन एक्स इज इक्वल टू वन, सो इट इज थ्री माइनस वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो. एंड वी हैव वाई इज इक्वल टू माइनस टू, यस. सो वी विल प्लॉट दीज टू पॉइंट्स, और वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द थर्ड पॉइंट इन एडवांस. Let us put y is equal to 0, thus we are getting x is equal to 5 upon 3. Of course, 5 upon 3 is a fractional number, so this 5 upon 3 can also be written in decimal notation, which is 1.666, or it can be presented on the graph as 1.7. So the very first point is 0 minus 5. Let us take another color to present this line. This is 0 minus 5. So x is 0 and y is negative 5. This is the negative 5 point is there. Highlight the point 0 minus 5. Then x is 1, y is minus 2. X is 1 and y is minus 2. Yes, this will be the point. Then x is 1.7 and y is 0. So this point will be existing there on x-axis. This will be somewhere here. So on joining all of these three points, we will be able to get our another line. Of course, when you will be drawing this line with the help of a scale, so it will be drawn properly. Yeah. So this is your line passing through all of these points. So what are we able to get? We are able to get ये दोनों ही lines एक particular point पर एक दूसरे को cut कर रहे हैं. If we are talking about the line x minus 2y plus 2y minus 4 is equal to 0, there are infinitely many solutions for it. If we are talking about this second line, there are infinitely many solutions for it. But if we discuss about their common solution, which will be considered as the solution of a pair, so that solution is only and only this point. And what this point is? This is 2 1. This is 2 1. That means the value of x will be 2 and the value of y will be 1. So there can be, we just discussed, there can be three types of solutions, whether unique or no solutions or infinitely many solutions. So here we have seen an example in which we have a unique solution. Let us take the next pair of equations. And in this pair, we can see the first equation. Again, we will present it graphically. X-axis, y-axis. We will calculate three points. Now it will be easy for you all to calculate the points. So we are writing these quickly. If y is 0, then x is equal to 4. And if y is 2, in that case, x is 2, in that case, y is 1. So let us present this equation here. Yes. We can say the first point is 0, 2. Therefore, this will be the point. The next point is 4, 0. X is 4, y is 0. It must be understood by our students that if x coordinate is 0, then the point will be there on y axis. And if y coordinate is 0, then the point will be there on x axis. And the next point here is 2, 1.
So this is the point. And on joining all of these three points, we are able to get one of the lines. This line will be passing through all the three points here. And let us now draw the other line. Yes, in that case, if we put x is equal to, let us put x is equal to 0, the first, we are getting y is 8 upon 4, which is again 2. If y is 0, then x is 8 upon 2, which is 4. And if we put x is equal to any other value, let us put x is equal to 2 or 3 or 4. Let us put any other value, let it be 3. If we are taking x is equal to 3, in that case, what is the value of y? It is 1 upon 2, or we can say 0.5 it is. So on presenting this equation on the line, you will see 0, 2, again a common point. The first line was passing through this point, and the second line is also passing through the same point. The next solution is 4, 0, which is here on x-axis, 4, 0. And the next solution is 3, minus 5. 3 and 0.5 only 0.5. Here it is. It will be the point. Because we have to take 0.5, so this point will be noting, giving us the same. So the second line now is passing through the same points. दोनों ही जो लाइंस हैं वो कैसे बन रही हैं, बोथ द लाइंस, अगर फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन ये है तो सेकंड लाइन की भी डायरेक्शन ही है। यहां पर ब्लू लाइन वी कैन सी वाज पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स, द सेकंड लाइन ब्राउन लाइन इज आल्सो पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट्स। सो सच टाइप ऑफ लाइंस आर नोन एज कोइंसिडेंट लाइंस, एंड वी कैन सी इफ दिस पॉइंट इज अ सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, इट इज आल्सो सॉल्यूशन फॉर द सेकंड। इफ दिस पॉइंट इज अ सॉल्यूशन फॉर द सेकंड इक्वेशन, इट इज आल्सो सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट। So how many solutions are there in this case? There are infinitely many solutions. So agar hum real life se koi example lete hain infinitely many solutions ka, to wo kya example hoga? Humne abhi yahan par beginning mein hi ek example discuss kiya. Yes, I bought 2 pens and 4 pencils. My friend bought 3 pens and 6 pencils, and she paid 90 rupees, I paid 60 rupees. Agar hum in dono equations mein se kuch common lekar dekhna chahte hain, for example from the first equation 2 can be taken common. So what this equation will become? It is x plus 2y is equal to 30. Similarly, the second equation becomes 3 can be considered common from here. And in that case, what values will be there in the bracket? X plus 2y is equal to 30. Yes. So bracket ke andar ki values ko agar hum observe karte hain, both of these equations are similar. First equation is 2 multiplied by something, and second equation is 3 multiplied by the same equation. So, इस तरह की equations आपको जब भी मिलेंगी, it is understood that there are infinitely many solutions. Now, let us discuss the last case, which is for, of course, no solution. And what it is? For no solution. So first equation, of course, I have taken this equation same in these examples, x plus 2y minus 4 is equal to 0. So if x is equal to 0, we can see y is 2. If y is 0, x is equal to 4. And if x is 2, then y is 1. So if we present this line graphically, let us consider this point to be ग्राफ पर ही हमें ये सब क्वेश्चंस जो हैं वो प्रेजेंट करने हैं, बिकॉज़ वी विल लर्न वेरियस मेथड्स व्हिच वी विल डिस्कस जस्ट आफ्टर दिस।
एंड दिस पॉइंट विल बी पॉजिटिव वन, पॉजिटिव टू, यस यस. सो द फर्स्ट पॉइंट इज 0, 2, देन इट इज 4, 0, देन इट इज 2, 1. So we can draw the line. Passing through all these three points. And then x, y. If we are putting x is equal to 0 in this second equation, what we are getting? We are getting y is 3/2, or it can be written as 1.5. If y is 0, then x is 3. And let us take out one more value. If x is 2, then y is 4, y is equal to 2, and y is 1/2, which is 0.5. So the pair this time is first 0 and 1.5. x is 0 and y is 1.5. So this will be the point. X is 3 and y is 0. So this will be the point. And x is 2 and y is 0.5, so this will be the point. और अगर हम इन तीनों से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ करते हैं, so how can we draw it? We will see that this particular line will be parallel to the previous one. Okay? अगर एक लाइन आपकी इस शेप में जा रही है और दूसरी लाइन उसके बिल्कुल इंटरसेक्ट ना करके बिल्कुल पैरेलल हो जाए, so in that case both the things are parallel to each other, यानी कोई भी कॉमन सॉल्यूशन है ही नहीं. Okay, and in that case we will say there is no common solution or no solution for the pair of given linear equation. So अभी हमने graphical method discuss किया है बहुत depth में. Now we have gone through it. हमें पता चला कि graph draw करके हमें समझ आ जाएगा कि इन दोनों equations के common solution one है या फिर है ही नहीं या फिर infinitely many. But we will be thinking कि in every equation graph draw करने में बहुत time of course लगता है. So there are some more methods for solving the same. अगर हम direct बात करें कि method for solving the pair of linear equations, so there are directly two methods. The first is graphical and the second is algebraical method. Graphical method and algebraical method. Graphical method is just we have discussed कि किस तरह से वेरियस लाइंस के ग्राफ ड्रॉ करके हमें पता चलेगा वेदर दीज लाइंस आर पैरेलल, सो नो सॉल्यूशन. इफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग देन वन सॉल्यूशन, एंड इफ दे आर कोइंसिडेंट देन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. द अदर मेथड इज एल्जेब्रिक मेथड, एंड एल्जेब्रिक मेथड के देन वी कैन डिस्कस देर आर थ्री सब पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, द नेक्स्ट इज एलिमिनेशन मेथड, एंड द नेक्स्ट इज cross multiplication method. These methods we will discuss in our upcoming sessions, but today we are discussing कि हमें कुछ भी draw ना करना पड़े, ना graph draw करना पड़े, ना ही हमें substitution, elimination या cross multiplication method में से कोई method use करना पड़े. क्या हम directly बता सकते हैं कि given lines जो हैं वो कैसी होंगी, whether those will be parallel or those will be coincident or intersecting without drawing any graph or without using these methods. This we will discuss. For that only and only these things will be helpful to us, the coefficients of the given equations. Here's the first equation, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and the second equation is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So for both of these equations the coefficients are a1, b1, c1. For the first equation, the coefficients of x, y, and then constant term respectively. Now let us discuss. जब भी, whenever, सिर्फ एक view में ही आप बता सकते हैं कि हमारी given equation के solutions कितने होंगे. अगर equation को देखने पर हमें समझ आता है that a1 upon a2, that means the ratio of the coefficients of the coordinate of the variable x. And b1 upon b2, the ratio of the coefficients of variable y. अगर ये दोनों ratios बिल्कुल एक दूसरे से different होते हैं, बिल्कुल equal नहीं होते, in that case we will say that the given lines are intersecting lines.
और अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो सॉल्यूशंस कितने होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। और जब भी आप दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाल पाते हैं वी विल से दैट द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ओके, अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता तो इनकंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन निकाल पाते हैं देन इट विल बी सेड दैट द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ओके, अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं अपने ग्राफ को, द वेरी फर्स्ट जो हमने ड्रॉ किया। फ्रॉम दिस ग्राफ लेट अस सी, यस, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में द वैल्यू ऑफ ए वन इज वन इन द फर्स्ट इक्वेशन एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए टू, इट इज थ्री। So what is the ratio of A1 and A2? It is 1 upon 3. लेकिन अगर हम बात करते हैं B1 and B2 की, the ratio of B1 and B2 in the same set of equations, it will be 2 divided by minus 1. So हमें एकदम clear दिखाई दे रहा है कि A1 upon A2 not equals to 2 upon minus 1. A1 upon A2 is not equals to B1 upon B2, therefore this system has only unique solution and the lines will be intersecting and the system of these equations is consistent. So, तीन बातें अगर हमें examiner पूछ लेता है, वो पूछते check कीजिए क्या ये दोनों equations के पास unique solution होगा? We have to calculate the ratio. अगर हमें पूछ लिया जाता है, क्या ये दोनों lines intersecting बनेंगी? We have to calculate the ratio only. और अगर ये पूछ लिया जाए कि क्या ये सिस्टम कंसिस्टेंट है, वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो। तीन तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट द स्टेप फॉर द सॉल्यूशन आर सेम। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट केस। द नेक्स्ट केस इज दैट इफ ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू एंड द रेशियो ऑफ द कॉन्स्टेंट टर्म्स दैट मीन सी वन अपॉन सी टू, इफ ऑल दीज आर सेम, that means if all these are equal to each other, in that case the system will have infinitely many solutions, the lines will be coincident and kyunki solutions mil rahe hain to hum kya bolenge, it is a consistent system. Iske liye example number 2, yes, let us try to find the ratio first a1 upon a2, what it is, the coefficient of x, अगर कुछ भी नहीं mentioned, so it is clear that the coefficient is 1. So a1 upon a2 is 1 upon 2. What is b1 upon b2? It is 2 upon 4, which can be cancelled and again it is 1 upon 2. And what can we say about c1 upon c2? It is minus 4 divided by minus 8. So again we can say that it is 1 upon 2. So if we view it carefully, a1 upon a2 is 1 upon 2, b1 upon b2 is 1 upon 2 and then c1 upon c2 is also 1 upon 2, it simply mean that all the three ratios are equal. Aur jab bhi ye tino ratios equal honge to aapki lines kaisi ban rahi hai, these are coincident lines and there will be infinitely many solutions. और क्योंकि सॉल्यूशन निकल पा रहे हैं द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सो द नेक्स्ट थिंग नाउ इज, अगर ये दोनों रेशियोज तो इक्वल आ जाएं, मींस ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू तो एक दूसरे के इक्वल हो जाएं, बट सी वन अपॉन सी टू द रेशियो ऑफ द कॉन्स्टेंट टर्म्स इज नॉट सेम, इन दैट केस हाउ मेनी सॉल्यूशंस विल बी देयर, देयर विल बी no solution and the lines will be parallel to each other. Aur kyunki solution mila hi nahi to the system is consistent or inconsistent, it is inconsistent. Okay, so jo third case humne abhi draw kiya tha apna graph par, yahan hum dekh sakte hain a1 upon a2 the coefficients of x, yes, 1 upon 2, b1 upon b2, 2 upon 4, which can again be written as 1 upon 2. And what is then c1 upon c2? Minus 4 upon minus 6.
on calculating its value, we are able to get 2 upon 3. So what do we come to know? We come to know that in this case, A1 upon A2 and B1 upon B2 are equal to each other, but C1 upon C2 is different from these two. So if C1 upon C2 will be different, so we will say that no solution or hamari jo lines banegi, those will be surely parallel to each other. Wo kisi bhi point par ek dusre ko intersect nahi karein. Okay? Abhi ek real life se example le lete hain iske liye. Yes. For example, आप किसी शॉप पर जाते हैं और आप फ्रूट्स खरीद कर लाए और आपने क्या किया, यू हैव टेकन 1 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, लेट अस से फॉर ₹300. ओके, यू वेंट टू द शॉप इन द मॉर्निंग, आपने 1 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स मॉर्निंग में ले लिया. आपको समझाने के लिए अभी हम वेरिएबल्स की भी कुछ वैल्यू ट्रीट करके चलते हैं. लेट अस थिंक कि एप्पल जो है वो उस टाइम वो हमें 100 rupees पर केजी के अकॉर्डिंग दे रहा है और ग्रेप्स जो है वो ₹50 के अकॉर्डिंग और ₹100 अगेन आई मस्ट से. ओके, सो वी आर नॉट टेकिंग बोथ ऑफ द वैल्यूज सेम. लेट अस टेक द टोटल कॉस्ट टू बी ₹400. Yes. In the morning, I bought 1 kg of apple and 2 kg of grapes, and I paid ₹400 in total to the shopkeeper, and he has said it to me that the cost of 1 kg of apple is ₹100 and the cost of grapes ₹150 per kg. But after some time, after 4 hours or after 5 hours, my friend went to the same shop. And he has taken 2 kg apple and 4 kg grapes, and for this he has paid ₹700 to the shopkeeper. देखिए अब कैलकुलेट करते हैं जो रेट हमने शॉपकीपर को दिया है, इज इट स्टिल सेम और इट इज डिफरेंट? सो अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू ₹100 per kg for apple, the cost must be 2 into 100 plus 4 into 150. That means my friend must pay ₹800. अगर शॉपकीपर सेम ही कॉस्ट लगाता फ्रेंड को भी, बोलता कि यस इसी रेट से मैंने मॉर्निंग से इसी रेट से दे रहा हूँ और आपको भी इसी रेट से पे करना है, तो मेरे फ्रेंड को कितने रुपीस पे करने पड़ते? 800. बट द शॉपकीपर सेड ओके यू कैन पे ₹700 एंड ही हैज पेड ₹700. सो इन दिस केस अगर हम ट्राई करेंगे कि कॉमन रेट निकाल लेते हैं, कॉमन एज कॉमन व्हाट विल बी द कॉस्ट पर केजी फॉर द एप्पल्स एंड व्हाट विल बी द कॉस्ट पर केजी फॉर द ग्रेप्स, सो वी विल नॉट बी एबल टू गेट, क्योंकि दोनों ही केसेस में 2 different कॉस्ट लगाई गई हैं. और ऐसा रियल लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है. हम कहते हैं ना, हमने तो बहुत ज्यादा आपसे क्वांटिटी ली है, मॉर्निंग में आपसे जो लेकर गया था मेरा फ्रेंड उसने तो ओनली 3 kg फ्रूट आपसे लिया था, आई एम बाइंग 6 kg, तो कुछ तो आप कंसेशन दीजिए. और ये रियल लाइफ में होता है, आपको कंसेशन मिल गई और अभी दोनों सिचुएशंस का, दोनों रियल इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया? नो सॉल्यूशन. सविता जी, अंतिम 10 मिनट का समय हमारे पास बाकी है. जी बिल्कुल. इज देयर एनी प्रॉब्लम फ्रॉम आवर व्यूअर्स? फिलहाल तो नहीं. आपने जिस तरीके से ये प्रेजेंट किया है, सारी समस्या अपने आप सॉल्व होती चली जा रही है. अंतिम 10 मिनट में और भी देख लेते हैं कि क्या खास अभी बाकी है. जी बिल्कुल हरपेश. सो हम डिस्कस कर रहे थे कि रियल लाइफ में किस तरह से हमें 2 लीनियर इक्वेशंस पे लेकर 9 सॉल्यूशन का केस मिल सकता है. So next to this is, we have to check that the given lines are intersecting or parallel or maybe coincident. Check करते हैं. So I just asked you people कि question हमें किसी भी तरह से पूछा जा सकता है first part में,
वन पेयर ऑफ इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस इज गिवन टू अस और हमसे पूछा जा रहा है कि चेक कीजिए वेदर दीज इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल टू ईच अदर. सो लेट अस चेक. फॉर द फर्स्ट इक्वेशन वी कैन से ए वन इज टू, ए टू इज फोर. और वी कैन डू वन थिंग, लेट अस फर्स्ट राइट द values from the first equation only, that means the values of a1, b1 and c1 only. So what a1 is? A1 is 2. What b1 is? It is minus 3. And what c1 is? It is minus 8. Never forget to drag the coefficients to the constant terms to the left hand side. 2x minus 3y minus 8 is equal to 0. It is the general form. देखिए डियर व्यूअर्स, अगर आप चाहें तो आप कांस्टेंट टर्म्स को राइट साइड पर भी रख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. बट दिस शुड नॉट बी देयर कि आपने एक इक्वेशन में कांस्टेंट वैल्यू को लेफ्ट साइड पर लिखा है और दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट वैल्यू को राइट साइड पर लिखा है. इन दैट केस देयर विल बी अ प्रॉब्लम. सी वन और सी टू दोनों ही या तो आप लेफ्ट साइड पर ही ड्रैग करेंगे, लेफ्ट साइड पर रखेंगे, या फिर आप दोनों को राइट साइड पर रखेंगे. नाउ लेट अस सी द वैल्यूज फॉर ए टू, B2 and C2. What A2 is? It is the coefficient of X. What B2 is? The coefficient of Y. And what C2 is? Yes, it is minus 9. So what do we have now? Let us find the ratio A1 upon A2. Let me tell you ki jab bhi hame pucha jayega, lines are intersecting or parallel or coincident. Or second thing, there is a unique solution or no solution or infinitely many solution. And the third thing, the lines are consistent or inconsistent. Tino hi cases mein isi tarah se question aapko run karna hai. So what is A1 upon A2 here? It is 2 upon 4. What is B1 upon B2? It is minus 3 upon minus 4. And can also be written as 3 upon 4. So what do we observe? We observe that these two values are different from each other. And if these two values are equal, then we will say that A1 upon A2 and B1 upon B2 are not equal. Aur jab ye dono values equal nahi hoti, to kya hota hai? Lines kaisi hoti hai? These will be intersecting lines. Okay? तीनों ही तरह के आंसर्स एक ही बार डिस्कस कर लेते हैं. लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग और सॉल्यूशंस कितने होंगे? लाइंस अगर कट करती हैं, देखो लाइंस एक से ज्यादा पॉइंट पर कट ही नहीं कर सकती कभी, या तो कोइंसिडेंट होंगी या फिर एक ही पॉइंट पर कट करेंगी. कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दो लाइंस टू डिफरेंट पॉइंट्स पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे. सो ओनली वन सविता जी हमारे पास बाकी है जी. सफिशिएंट. Our today's topic is going to be completed here only. Thank you. So, after this, system kaisa hai? It is consistent. Ab discuss kar lete hain second part ko aur yahi question hamara aaj ka jo hai, aaj ke topic mein last question rahega. So, यहाँ थोड़ा सा हमने फर्स्ट इक्वेशन को टिपिकल बनाकर लिखा है. कॉफिशियंट्स जो हैं एक्स और वाई के, दीज आर इन फ्रैक्शनल फॉर्म. सो वेदर वी कैन राइट ए वन इज 3/2, बी वन इज 5/3, ए टू इज 9, और हम थोड़ा सा फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं बाय टेकिंग 6 एज एलसी. सो लेट अस डू इट एज इट इज. ए वन इज 3/2, B1 is 5/3 and C1 is minus 7. Okay, what is A2? It is 9. B2 is minus 10 and C2 is 14. So what will be the ratio for A1 and A2? It is 3 upon 2 and this complete is divided by 9. That means 3 upon 2 into 1 by 9, which can be written as 1 divided by 6. Now the ratio for B1 and B2 will be calculated.
it is negative 1 by 6. Because of this negative sign, we can say that A1 upon A2 and B1 upon B2 are different from each other. 1 by 6 is equal to 1 by 6, not minus 1 by 6. So again, this pair has unique solution and the lines will be intersecting. If it has been given to us that yahan par negative sign na hokar positive sign diya hota, so we observe that A1 upon A2 and B1 upon B2 both are equal, then we need to calculate C1 upon C2. और हम देख सकते हैं कि C1 upon C2 की जो value है, it is -7 upon -14, that means 1 by 2 आ रही है, and 1 by 2 is different from 1 by 6. So how many solutions are there? No solution. So that's all for today. And if there is any query from our students, they can take their problem, they can ask about it. बेसिकली वैसे ही क्वेरी तो नहीं, मान लीजिए कि एक छोटा सा प्रश्न ये हम रख सकते हैं कि बच्चे अभी घर पे हैं, ऑनलाइन स्टडीज़ का दौर चल रहा है और काफ़ी लंबा ये खिंच भी गया है, तो एक मेंटल थोड़ा सा एक उबन की स्थिति बन जाती है। लेकिन यही भी आवश्यक है कि जो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो उसको यहाँ से देख कर सीख कर आपको और भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो बेसिकली वो घर पर रह के जो अतिरिक्त समय हमने बिताया है उसका और बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन किस तरीके से किया जाए, खासतौर से जब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट की, साइंस की, इंग्लिश की, जो बहुत ही कठिन सब्जेक्ट या रोचक सब्जेक्ट है ऐसा कहा जाए, खासतौर से मैथ के संबंध में हम बात कर रहे हैं, तो और कौन सी क्या एक्टिविटीज़ की जा सकती है घर पे रहकर जिसको वो और भी बेहतर के तरीके से मैथ को कर पाएँ। जी धर्मेंद्र जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। कहीं ना कहीं ये जो टाइम चल रहा है, दिस पेंडेमिक सिचुएशन एंड द टाइम व्हेन द स्टूडेंट्स आर एट देयर होम, जब ये सभी बच्चे घर पर हैं, तो सबसे पहली बात और सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स को सभी को एक बार छोड़ कर बात करते हैं, whether it is mathematics, science, SSL, everything. पहली चीज जो है, as teachers और बहुत सारी other studies से भी हमें ये पता चलता है कि आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए हैं। आप पेरेंट्स से थोड़ा सा रूड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो आपका सबसे पहला काम है इस चीज को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें। ऑफ कोर्स इजी नहीं है, घरों के अंदर बंद हो, बिल्कुल जैसा एक ही ट्रेन के बॉक्स के अंदर हम कब से बैठे हैं और बैठे ही हैं, वी एग्री, लेकिन योर पेरेंट्स कैन अंडरस्टैंड यू, यू शुड अंडरस्टैंड योर पेरेंट्स। और अगर आप ऑल द टाइम नहीं स्पेंड करेंगे टेक्नोलॉजी पर इनडायरेक्टली, मीन्स अगर आप टेक्नोलॉजी पर सिर्फ और सिर्फ गेम्स खेलते रहते हैं या कुछ ना कुछ गेम्स देखते रहते हैं, वी सी के यूट्यूब पर भी बहुत सारी गेमिंग वीडियोस हैं और वो बच्चे देखते रहते हैं, ऐसा करते रहोगे तो आप खुद अकेले में कहीं ना कहीं गुम हो जाते हो। तो जिस तरह से टेक्निकल माध्यम से हम आप लोगों तक स्टडीज पहुंचा रहे हैं, आप टेक्निकल माध्यम से आप जूम मीटिंग फिक्स करके अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ी बहुत देर के लिए गपशप भी जरूर करें, उनके साथ मैथमेटिकली जो क्वेश्चन आपको हम समझा रहे हैं इन क्वेश्चन को डिस्कस भी जरूर करें, क्योंकि कोई भी चीज देखने से जितनी सीखी जाती है उससे ज्यादा सीखी जाती है सेल्फ प्रैक्टिस से। Exactly. और जब आप किसी और को समझाएंगे तो ऑफ कोर्स आप बहुत अच्छे से खुद उस चीज को अपने अंदर ग्रेस्ट कर लें। सो दैट्स ऑल व्हाट आई वांट टू से टू माय स्टूडेंट्स। काफ़ी चीज़ें तो आपने बता दी हैं, कहीं ना कहीं एक 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 मैसेज भी आपने डिलीवर यहाँ से किया है और आपने कोशिश भी की कि उन दो वाक्यांशों को जोड़ा कि जहाँ पर एक तरह बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी आपने काफ़ी कुछ बातें कही हैं। अंतिम रूप से अगर मैं आपसे चाहूँ कि एक मिनट के समय में एक मोटिवेशनल मैसेज ज़रूर हमारे विद्यार्थियों की तरफ जाना चाहिए, तो वो खासतौर से आपकी तरफ से क्या होना चाहिए? काफ़ी कुछ चीज़ें आपने बता दी हैं, कॉन्टेंट भी काफ़ी हद तक आपने क्लियर किया, विषय विचार को छोड़कर भी आपने एक दो बातें और भी कही हैं, तो लास्टली जो उनको मोटिवेट कर जाए, समस्याएं तो खैर हर जगह हैं ही, ओवरकम हम कर रहे हैं और जो मेंटल अभी स्टेटस है वहाँ पर भी काफ़ी सारी खामियां हैं, जहाँ से जो आपने चिड़चिड़ेपन की बात करी, जो मिजाज बदलता हुआ सा नज़र आता है, क्या कुछ किया जाना चाहिए? एक छोटा सा मैसेज पेरेंट्स के लिए भी, काउंसलर्स के लिए भी, ऑफकोर्स स्टूडेंट्स के लिए भी, और दो कदम आगे बढ़कर पूरे देश के लिए। जी बिल्कुल। सो स्टूडेंट्स, सीधे सीधे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, देयर इज अ सिंपल थिंग दैट दीज गैजेट्स आर देयर फॉर हेल्पिंग अस, वी शुड मेक देम आवर स्लेव, वी शुड नॉट बी देयर स्लेव। हमें इन गैजेट्स को अपने काबू में रखना है,
हमें इन्हें अपना सर्वेंट बनाना है, हमें इनसे सिर्फ हेल्प लेनी है जहां हम कुछ जानना चाहते हैं, पूरी दुनिया की नॉलेज इन गैजेट्स के थ्रू हम पा सकते हैं। जो गेम्स, जो डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब ओनली प्लेइंग वीडियोस हमें अपना स्लेव बनाती हैं, हमें उनके काबू में नहीं आना, हमें स्लेव नहीं बनना। बिल्कुल, समय हमारे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया सविता जी, आपने अपना अमूल्य समय हमारे बच्चों के लिए दिया और जो अविस्मरणीय सी बातें आपने हमारे बच्चों को सिखाई। अविस्मरणीय इसलिए क्योंकि ये जो यहाँ से डिलीवर हुआ है, ये ताम्र आपको ज़रूर याद होना चाहिए। अपने बच्चों से मुखातिब होने होते हुए मैं इस बात को कह रहा हूँ, यहाँ से जो आप सीख गए तो फिर ताम्र कितनी भी समस्याएँ हमारे सामने क्यों ना आ जाए, हमारे पास एक बे एक मेंटल पावर ज़रूर रहेगा कि उससे हम ओवरकम ज़रूर कर पाएंगे। फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या विषय हम पढ़ रहे हैं, बहुत आवश्यक है कि क्या हमने सीखा, दैट इज़ वॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया सविता जी आपका हमारे साथ जुड़ाव के लिए, अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच जी धर्मेंद्र जी, थैंक यू वंस अगेन। और जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगला जो सेशन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, लैंग्वेज संस्कृत से कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए। छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए मेरे साथ।